राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में शिरकत कर सफाई मित्रों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छ भारत अभियान में देश भर में दूसरा स्थान पाया है। इंदौर 7 बार से देश भर में सबसे स्वच्छ शहर है, यह हमारा गौरव है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 लेन का भूमि पूजन भी किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान बनाया है। भोपाल ने सबसे स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य शहरों को भी अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार किया गया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार और नागरिकों की सराहना करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कलमों से आज 1692 करोड़ लागत की इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क के निर्माण के भूमि पूजन की सभी को बधाई। यह नई 6 लेन सड़क विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। देवी और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं, मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूं तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। हमारे लिए मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी के नाते से इंदौर का अपना महत्व है और ये नगरी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्म उत्सव चल रहा है। ऐसे में महारानी अहिल्याबाई को भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तत्समय की शासिका जिनके शासनकाल के लिए आज भी लोग नाम लेते रोमांचित हो जाते हैं, उत्साह उमंग धार्मिक श्रद्धा अंदर से आदर की भावना निकलती, जिनके अपने 30 साल के शासनकाल में उनने जीवन के सब क्षेत्रों में एक हमारी वीरांगना किस प्रकार से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करती है इसका रिकॉर्ड उनने बनाया। नारियों की सेना बनाना, नारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा विवाह से लेकर नारी कल्याण की सारी योजनाओं को चलाना, कुशलता के साथ अपने दुश्मनों से निपटना, शासन की व्यवस्था के साथ बहनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए महेश्वरी साड़ी का वस्त्र उद्योग उनने प्रारंभ किया। ऐसे में इंदौर से उज्जैन को जोड़ने के लिए 6 लेन की ये नई सड़क बनाने का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आपके कर कमलों से होने वाला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें। 1630 करोड़ की लागत से आज की नवीन सड़क का आपके माध्यम से एक नया इतिहास लिखा जाएगा।